हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग अच्छा चल रहा है, चलना ही चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि मार्केट इस 2024 में देने के मूड में है। देने के मूड के में का रहने का मतलब ट्रेंडिंग मार्केट। बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं, स्पेशली कॉमोडिटीज इस बार बहुत ही अच्छा ट्रेंड किए हैं। इन डायरेक्शनल गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर, हर जगह ब्यूटीफुल ट्रेंड मिला है। तो ये जो हम लोग करते रहेंगे और करते हैं इन द मार्केट, द रेगुलर मार्केट आवर्स, आप लोग जानते हैं वेदर नो मैटर विच कंट्री यू आर ऑन, लार्जली मंडे से फ्राइडे तक चलता है। और सिंस हम लोग दूसरा यूएस के टाइम फ्रेम में नहीं है, ब्रॉडली हमारे लिए जो ग्लोबल मार्केट अबाउट संडे, मतलब संडे नहीं मंडे, मंडे अबाउट 3:30 बजे रात को अराउंड खुल जाता है और सैटरडे क्लोज होता है रात को अराउंड 1:30 बजे के आसपास। ऑलमोस्ट इन अ कंटिन्यूअस बेसिस मार्केट चलता रहता है। फोरेक्स मार्केट नेवर स्लीप्स, इट जस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग द सेंटर्स। तो ये जो वीकेंड रहता है, वीकेंड में काफी सारा, स्पेशली एक ना एक दिन को काफी सारा टाइम देना पड़ता है। आज मेरे लिए आज वैसा दिन है, बहुत सारा स्कैनिंग मैं कर चुका हूँ स्टॉक्स का, स्कैनिंग नेक्स्ट नेक्स्ट वीक के लिए, कमोडिटी का प्रिपरेशन, अलर्ट्स, ये सब जो काम ये वीकेंड में एटलीस्ट आई थिंक 5 5 to 7 आवर्स के बीच में देना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कैसा है मार्केट। तो इस जो वीकेंड मिलता है, इस वीकेंड में ही वैसे सबसे ज्यादा काम करता हूं मैं। मेरा क्लास भी वैसे वीकेंड में ही रहता है और नॉर्मल वीकडेज बहुत ही रिलैक्स रहता है, सिर्फ ट्रेडिंग का ही थोड़ा बहुत काम रहता है एंड दैट इज आल्सो अलर्ट बेस्ड। और उस फ्री टाइम में जब मन करता है मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाता हूँ एक ओवरऑल एनालिसिस प्रेजेंट करने के लिए। और जो स्टॉक, ये देखिए एक एक स्टॉक जो अच्छा लग रहा था, ये अच्छा ब्रेकआउट दिया था लेवल का, इसको क्लोजली वॉच कर रहा था मैं। और एक स्टॉक मौका अच्छा था, दैट इज CDSL, बहुत फास्ट मूव हुआ है बट लग रहा है इसमें आने वाले दिन में और अपॉर्चुनिटी बनेंगी। एक ब्लैक बॉक्स चालू हुआ है, बहुत दिन बाद एक ब्रेकआउट दिया है, काफी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है ब्लैक बॉक्स का। तो ये सब जो राइट लेवल पे अलर्ट आ जाए ताकि हम लोग पता रहे कौन सा स्टॉक, ये सब के लिए सैटरडे संडे काफी इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करके मैं अपना लिस्ट बनाता हूँ, मैं हजारों स्टॉक ऐसे देख देख के स्कैन करता हूँ और स्कैन करके ब्रॉडली मेरे एक स्ट्रॉन्ग रहता है लिस्ट, जहां से 280 स्टॉक, अब 280 स्टॉक का एक ब्रॉड लिस्ट बनाया और उस लिस्ट से और भी धीरे धीरे और रिफाइंड लिस्ट बनाता हूँ। जैसे इसको जब स्कैनिंग करूंगा यहाँ पे लो बीटा हाई बीटा स्टॉक, हाई बीटा स्टॉक जो है उसको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, रादर जो स्टेबल बीटा दिखा रहा है बट राइजिंग स्टॉक है उसको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से थोड़ा कैटेगराइजेशन करेंगे, फिर डेली चार्ट में फॉर एग्जांपल दिस BBTC, बॉम्बे बर्मा, बॉम्बे बर्मा, अब जो डेली प्राइस के ऊपर देखिए सस्टेन कर रहा है ये लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट, तो रियल लेवल के ऊपर जैसे ही सस्टेन कर रहा है एक बाई, दिस न्यू बाई सपोर्ट कम बाई ब्रेकआउट का मौका मिल गया है। एटलीस्ट ब्रेकआउट हुआ भी नहीं है तो एटलीस्ट बाई सपोर्ट का मौका मिला है डेली चार्ट में, रेड कैप के बाद एक फुल ग्रीन कैंडल, तो री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिला बॉम्बे बर्मा। तो ऐसे करके अलर्ट जो, अगर ये इसके बारे में पता नहीं रहेगा, अगर अलर्ट नहीं प्लेस करेंगे ऑन द रेड कैंडल, तो डेली के हिसाब से अगर आप मतलब विद इन टुडे सैटरडे संडे के अंदर आपको काम क्या करना है, ये जो लिस्ट हम लोग बनाते हैं उसमें सारा अलर्ट्स बैठ जाता है जिसमें जाना चाहिए, और जो लग रहा है नहीं है ठीक है नेक्स्ट ऑर्डर स्क्रीनिंग में हटाना चाहिए उसको हटा दी। तो ऐसे करके वीकेंड में मैं काम करके जो अपना लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे स्क्वीज करते जाता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला रिजेक्शन, रिजेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। बहुत सारे स्टॉक्स रहेंगे जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट क्लियरली वो भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये भी डेली में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देखिए लाइन चार्ट, बट ये मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे ग्रीन कैंडल नहीं है, मेरे स्पेशलाइज कैंडल नहीं। सो ब्लू डॉट इज नॉट गुड, और बट नॉट गुड जो है ये भी इनाफ नहीं,
नॉट गुड के बाद यू हैव टू प्लेस वेन इट विल बी गुड, इट विल बी गुड वेन प्राइस एक्शन एटलीस्ट, तब जाके बाकी क्राइटेरिया देखेंगे, बट एटलीस्ट प्राइस एक्शन बुलिश मतलब फुल ग्रीन कैंडल, फुल ग्रीन कैंडल होते हुए ये दिस विल बी गुड. सो नाउ वी नो वेन दिस विल बी गुड. सो वेन इट विल बी गुड, ये ऑटोमेटिक अलर्ट हम लोग के पास आ जाएगा मोबाइल में, और ये अलर्ट आएगा लाइव ट्रेडिंग के दिन. और उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हम लोग डेली चार्ट में जब तक तो हम लोग खुद को काफी एक्सपर्ट नहीं समझ रहे, विल वेट टिल द क्लोजिंग टाइम. और क्लोजिंग टाइम ऑफ द कैंडल अगर डेली मेरा चार्ट है मतलब 3 से 3:30 बजे, या चलिए 2:45 से 3:30, 2:45 to 3:30 के बीच में अगर पोजीशन ठीक जा रहा है, लग रहा है ऑल गुड, ग्रीन लाइट, देन वी विल एंटर फॉर द पोजीशन. तो कोई हरीड प्रोसेस नहीं है, बट रादर इट्स अ टेन्यूअस प्रोसेस. ये जो वीकली में ब्रॉडली ये जो लिस्ट है इसको स्क्वीज करते 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 बहुत ही छोटा बनाना है, कि 20, 25, 30 स्टॉक्स जो रहेगा, जो लग रहा है कि अच्छा है स्टार्ट करने के लिए, वैसा स्टॉक रखना होगा. जो सोलारा, सोलारा अगर देखा जाए, सोलारा, सोलारा एक्टिव फार्मा, सोलारा एक्टिव फार्मा अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से देखेंगे, ये जस्ट अबाउट टू स्टार्ट अप, जस्ट स्टार्ट हो रहा है, बहुत दिनों बाद लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन तोड़ के आगे जा रहा है. ये बहुत बढ़िया ब्रेक नहीं है, बट बिना बढ़िया ब्रेक का भी दिस काइंड ऑफ ब्रेकआउट यूजुअली स्टॉक ये टॉप लेवल, इसको बोलते हैं माउंटेन टॉप, माउंटेन टॉप तक चला जाता है, विच इज क्वाइट अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड, बट इट विल टेक सम टाइम, इट विल बी नॉट वेरी इजी. बीच में 1140 रुकेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. ये जो फ्लैट लाइंस होते हैं मेरे सेटअप में, फ्लैट लाइंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया होता है. अब इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, 550 क्रॉस करेगा ग्रेजुअली जिग जिग करते हुए, मतलब धीरे धीरे ये ऊपर पहुंच जाए. यूजुअली दीज आर द स्ट्रक्चर. तो ये एक स्टॉक हुआ जो आप बिगिनिंग फेज में, या और एक स्टॉक जो अभी भी रेडी नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, बट होगा इन फ्यूचर, ये कंसोलिडेशन फेज में, देखिए ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन फेज में, वंस इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा 292-230 के ऊपर, तब जाके ये सस्टेनेबल ब्रेक होगा, एंड देन विल वंस अगेन टारगेट द माउंटेन टॉप, विच इज क्वाइट ए गुड रिटर्न. तो ऐसे करके चुन चुन के डिसाइड करना होगा कहां पे एंट्री है, और उस एंट्री के पीछे अपना आइडिया क्या है. आइडिया ये है कि यहाँ पे जो रूपा का ब्रेक होगा, अगर ब्रेक हुआ या और कोई बीच में फ्लैट लाइन है नहीं, तो ये डेफिनेटली 390 के ऊपर आ जाएगा, 390 के पास, एंड वेरी लाइकली ये 426-460 के जोन में कंसोलिडेट कर. तो ये हुआ कुछ बढ़िया रन, 32-40-45%, which is quite good. इसीलिए रूपा में एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अलर्ट की कहां पे, या ऑर्डर, अलर्ट या ऑर्डर दोनों एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, बट दोनों भी, दोनों के लिए मैं कॉमन अलर्ट टर्म यूज कर रहा हूं. तो ये जो ब्रेकआउट होगा तब जाके रूपा अच्छा होगा. ये अगर आप खुद चार्ट नहीं देखोगे, बस स्क्रीन करते जाओगे, दैट विल नॉट बी एनफ. इसीलिए फिजिकल चार्ट देखना कभी कभी बेनिफिट, इट्स अ टेन्यूअस जॉब, इसीलिए तो 6-7 घंटा लगेगा आज. आज ओवरऑल 2 वीकेंड में देना पड़ेगा तब जाके, कि नॉर्मल जो वीकडे का टाइम है आप 2-2.5 घंटा दे पाओगे, है ना. तो इसीलिए ये वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वीकेंड में बस छुट्टी मत मनाएगा, 1-5-6 घंटा अपने स्ट्रेटेजी को दीजिएगा, स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो. जैसे मैं ओवरऑल, ये तो स्टॉक सिलेक्शन के अलावा, मैं अपना एसेट रोटेशन, जो लोग एसेट एलोकेशन वीडियो देखते हैं मेंबर्स, आप जानते हैं कि एसेट एलोकेशन के लिए आई कीप ऑन चेक ऑन डिफरेंट लाइक SPY टू IBIT. ये रेशियो ऊपर जाने का मतलब है करंटली बिटकॉइन अच्छा नहीं, अपना इक्विटी मार्केट कैश इज, इक्विटी मार्केट का पोजिशन एज अ होल इज डूइंग बेटर देन बिटकॉइन. सो दिस गिव्स मी अ स्ट्रेटेजिक आइडिया at the beginning of the week, कि कैसे overall remain, should I remain invested,
ज्यादा छेड़खानी ना करके अपना जो मैजिक नंबर है टारगेट का उसको पहुंच जाए, बस यही इतना रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। वैसे आप लोग अगर रेशियो का एनालिसिस कर रहे हैं, काइंडली फाउंटेन ऑफ गोल्ड का इस्तेमाल कीजिएगा रादर देन ये स्टॉक का। मैं स्टॉक का एनालिसिस दिखा रहा था इसीलिए मैं स्टॉक का कर रहा हूं। सो यही है फ्रेंड्स कि ये वीकेंड वर्क जो होता है उसको लाइटली मत लीजिएगा, वीकेंड वर्क को डिफाइन कर लीजिए। जैसे मेरे लिए और भी मैक्रो है, मैं इसके बाद मैक्रो डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, लर्न द ग्लोबल मैक्रो या ग्लोबल मैक्रो मार्केट्स में। तो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ एनालिसिस है ये पूरा पैक्ड अप रहता है ओवरऑल 7 आवर्स वर्किंग वीकेंड में, 7 आवर्स ओवर द वीकेंड। थोड़ा सॉलिड चाहिए, बिना उठ के बिना फुल्ली फोकस्ड रह के ये काम करना। जो अगर काम टायरिंग लग रहा है थोड़ा तो दूसरे एसेट में शिफ्ट कर जाइए, या थोड़ा रिलेटेड टू दूसरा न्यूज या फंडामेंटल रीडिंग में चला जाइए, बट 7 आवर्स थोड़ा ओवर द वीकेंड डेडिकेटेडली देना ही पड़ेगा टू दिस वर्क टू बिकम अ सक्सेसफुल। तो ये रहा फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज ब्रॉडली द वीकेंड वर्क वीडियो। आई होप आप लोग भी अपना वीकेंड वर्क कर चुके हैं, और मेरे जो लर्नर्स है आपको मैं ये लिस्ट ऑलरेडी दे चुका हूँ स्कैनिंग करने का। करने के बाद आई होप आप लोग डेली में नेक्स्ट लेवल ऑफ स्कैनिंग करके अलर्ट लगा के डिसाइसिव बन रहे कहाँ पे कौन से स्टॉक में एंट्री करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, ऑल द बेस्ट टू यू फ्रॉम माई साइड, एंड एज ऑलवेज हैप्पी ट्रेडिंग।